वासी पूरे उत्साह जोश और सम्मान के साथ मनाता है। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते इसे हर धर्म संप्रदाय और हर जाति के लोग पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। सन 1930 में भारत के क्रांतिकारी ने भारत को एक संविधान वाला देश बनाना चाहते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत को स्वायत्त और गणराज्य घोषित किया गया और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आओ मिलकर तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए, अपना गणतंत्र दिवस आया, झूमे नोचे खुशी मनाए। अपना गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएंगे, देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा फहराया था, मुख्य अतिथि के रूप में सुकार्णो को बुलाया था, यह जो इंडोनेशियन राष्ट्रपति भारत के भी देश जैसी था, जो राष्ट्र था, जो ऐतिहासिक पल हमारा जिसे भारत था गौरवान्वित सारा। विश्व में सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। आओ मिलकर तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए, अपना गणतंत्र दिवस आया, झूमे नोचे खुशी मनाए। दोस्तों, स्वतंत्रता में बहुत मेहनत और परेशानियों को झेलने के बाद मिल पाई है, इसे बर्बाद न होने दें, पढ़े लिखे और विकास करें और सबके साथ आगे बढ़ें। जय हिंद। Gracias.